देखिए क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई का आना एक बहुत ही एक्चुअली सिग्निफिकेंट कदम है रीजन बीइंग ये क्राउन प्रिंस अभी बने हैं ये इनका पहला दौरा है टू इंडिया इससे पहले इनके जो फादर थे वो क्राउन प्रिंस थे अब वो प्रेसिडेंट बन गया यूएई का राइट मोहम्मद अल ये उनके बेटे हैं और इनको अब क्राउन प्रिंस बनाया गया है कुछ समय पहले ये इनका पहला दौरा है टू इंडिया ना इंडिया यूए के रिश्ते डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एक अलग लेवल पे चले गए हैं एंड इस दौरे में जो डिस्कशंस होंगी दिल्ली में तो होंगी स्ट्रेटेजिक बट ये क्राउन प्रिंस एक बहुत बड़ी बिजनेस डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं जो बॉम्बे में जाकर के एक बिजनेस फोरम की मीटिंग होगी फॉर यूएई इंडिया रिलेशंस एंड ट्रेड तो ये एक कंटिन्यूइंग सीरीज में भारत और एमिरेट रिलेशंस की इंप्रूवमेंट की तरफ है प्लस इस क्राउन प्रिंस का ये पहला दौरा है टू इंडिया देखिए जयशंकर जो जा रहे हैं छह दिनों के दौरे में सऊदी अरेबिया स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी इनमें बायोलैट्रल टॉपिक्स परंतु मुझे जो लगता है एक जो मुद्दा आएगा डिस्कशन का इन सारी मीटिंग्स में जयशंकर जी जो करेंगे इन देशों में विल बी अबाउट यूक्रेन रशिया वॉर देखिए इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब क्लियरली बोल दिया है कि भारत एक रोल प्ले करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में तो मेरे विचार से जयशंकर जी की जो मीटिंग्स होगी सऊदी अरेबिया में उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ स्विट्जरलैंड में यूएन और स्विट्जरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर के साथ और जर्मनी में भी उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ इन सब में एक मुद्दा जो डिस्कशन का होगा वो होगा यूक्रेन रशिया को युद्ध रोकने के प्रयासों को लेके क्या आगे किया जाए उसके अलावा डेफिनेटली इस बायोलैटल सऊदी और भारत रिलेशंस को लेकर के जर्मनी और भारत रिश्तों को लेकर के क्योंकि जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो अगले महीने इंडिया आ रहे हैं तो जयशंकर का दौरा जो जर्मनी में होगा वो उस उनकी विजिट की तैयारी के लिए भी होगा तो मल्टीपल डिस्कशन होंगी टॉपिक्स होंगे परंतु मेरे विचार से एक जो सबसे स्ट्रेटिजिक मुद्दा होगा डिस्कशंस का होगा रशिया यूक्रेन की वॉर को लेकर के आज या इस हफ्ते हमारे एनएसए डोवाल भी जा रहे हैं मॉस्को वहां पर भी डिस्कशंस होंगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ और हो सकता है पुतिन से भी तो ये सारी चीज़ें मुझे इंडिकेट करती हैं कि जयशंकर की जो विजिट होगी इन देशों में उसमें रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना और उसमें इंडिया का रोल कैसे आगे बनेगा उस पर अवश्य ही डिस्कशन होगी